अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। चलिए, आज मैं आपको चुन्नट लगाने के लिए सलवार में बता रहे हैं। देखिए, पहले ये मैंने नीचे वाला रखी हूँ, जो कमर जिसमें कमर बंद लगाते हैं उसको, ये ऊपर मेरा जो मेरा घेर हुआ उसमें आप अपने हिसाब से एक रंग से दो दो ऐसे ऐसे करके अपने देते चले जाइए। आप आगे वाला चुन्नट पहले देख ले कि वो मेरा किस हिसाब से है, उस टाइप से आप पीछे वाले चुन्नट को भी देते चले जाएं। देखिए तो समझ में आया। देखिए आपको कोई से दिक्कत लग रहा है, सब एक रंग से मेरा ये चुन्नट है। इसी तरीका से आप सलवार पर चुन्नट बैठा सकते हैं। चलिए हम आगे और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसमें चुन्नट दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है, यहाँ से अब हम सीधी सिलाई पीछे तक ले चलेंगे। अब यहाँ पर हमको चुन्नट नहीं देना। अब देखिए, जो कट लगा रखे ये मेरा पीछे का है। अब पीछे वाले में एक रुमाली हम आगे लगा, एक रुमाली मेरा देखिए यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे भी हमको एक चुन्नट इस टाइप से यहाँ पर लेना है। एक चुन्नट इधर से दिए, एक चुन्नट इसके अंदर डाल के दिए, खुद देखे हैं। उसके बाद फिर हम निशान तक सीधी सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, इस वाले रुमाली से जहाँ पर हमने दो चुन्नट लगाए हैं वहाँ से हम सीधी सिलाई लगा दी। यहाँ पर हम कोई चुन्नट नहीं दी, ये मेरा पीछे का हो गया। अब देखिए, अब ये मेरा बच गया। अब उसमें जो दिए हैं वो इस ऐसे दिए हैं, आप खुद देखे होंगे इस टाइप से। अब देखिए, अब ये चुन्नट हो गया है, अब हम इस तरफ से देंगे। आप खुद देखिएगा इसका कितना प्यारा बैठेगा ये चुन्नट, देख रहे हैं दोस्तों? तो इसी तरीका से आप, अब जब आगे से देख इस टाइप से, और जब गोल घूम के पीछे भी दो चुन्नट दे दे, उसके बाद जब फिर आप आगे आएंगे आपको मशीन उस तरफ देना पड़ेगा। देखिए कितना इजी तरीका से हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये हो गया, अब आपको हम आगे और भी करके बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने में चुन्नट दे दी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए हो गया, इसी के लिए इसका देखिए दोनों मुंह हो गया, एक इधर, दोनों का मुंह सेम सा मिला हुआ है। हम जिस तरीका से बताए हैं उसी तरीका से अगर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपके सलवार में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात आपसे होगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।